Yeah, hi children, good morning everyone. Children, this is one more topic in your English grammar. Okay, arrange these words in the ABC order. Write them in the lines below. Okay, in your book, page number 21. In your English reader book, page number 21. Now, come back to the topic, children. Arrange these words in the ABC order. Okay, now alphabetical order. ABC means alphabets. Okay, alphabetical order. Now, what is alphabetical order? Now, see here, children. Here it is B for butterfly. Number 2, D for doll. Number 3, F for flower. Okay. Number 4, C for cow. 5, E and D. And number 6, A, N, I, M, A, L, animal. Okay, children. Now, what here it is asked? यहाँ पे क्या पूछा गया है? इसको arrange करना है. इन सारे words को arrange करना है A, B, C order में. That means the words which starts with A. है ना? जैसे alphabets कहाँ से start होता है? A, B, C, D, E, F, G and so on. Right? Like that only. जब हमें कोई words लिखना होता है तो हमें कहाँ से start करना है in alphabetical order? A. Okay? Come on. Now search. सबसे पहले A से कौन सा word शुरू हुआ है यहाँ पर? Which word has started with A? Animal. Okay? So animal will come first. Animal will come फर्स्ट. तो सबसे पहले क्या आएगा? एनिमल. ओके. व्हाट कम्स आफ्टर ए? ए के बाद क्या आएगा? बी. ओके. नाउ कम ऑन, सी फ्रॉम हियर व्हिच वर्ड स्टार्ट विथ अल्फाबेट बी. बी से कौन सा वर्ड है? बटरफ्लाई. सो नंबर 2 विल कम बटरफ्लाई. ओके. नाउ ए, ए बी. नाउ व्हाट विल कम नेक्स्ट? सी. ओके. नाउ सर्च द वर्ड व्हिच कम्स विथ सी. है ना, जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है उसको, ओ, सी ओ डब्ल्यू, काउ. सो नंबर 3 व्हाट विल कम? सी ओ डब्ल्यू, काउ. सी ओ डब्ल्यू, काउ. ओके. नाउ ए, बी एंड सी. नाउ आफ्टर सी व्हाट विल कम? डी. ओके. नाउ सी सर्च द वर्ड विच स्टार्ट्स विद डी. डी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसको सर्च करेंगे. बटरफ्लाई, डी ओ डबल एल, डॉल. डी ओ डबल एल, डॉल. एफ एल ओ डब्ल्यू आर, फ्लावर. ओके. डी ओ डबल एल, डॉल. सो वॉट विल कम नेक्स्ट? डॉल. ओके. सो डी ओ डबल एल, डी ओ डबल एल, डॉल. ओके. डी ओ डबल एल, डॉल. ओके. वॉट कम्स आफ्टर डी? वॉट विल कम आफ्टर डी? ई. नो, सी ई है क्या यहाँ पे? बटरफ्लाई, काउ. डी फॉर डॉल, एफ फॉर फ्लावर, E for end. Okay, now E है ना, ये word है जो E से start हो रहा है. E N D, end. So right here E N D, end. Okay, now next what will come after E? F. This is B for butterfly, D for doll, now F for flower, है ना. So what will be next? A F L O W E R, flower. Okay. Now in short what it means, है ना, एक बार फिर से आपको समझाती रहती हूँ. This is the words which are arranged in alphabetical order, है ना. यहाँ पे ये words, some words will be given, कुछ words देंगे और आपसे क्या पूछा गया है? Alphabetical order में arrange करना. Alphabetical means A B C D में, है ना. जो word A से start होता है, A सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कौन सा word arrange लिखेंगे हम? A से. आपको ना यहाँ finger रखे सारे words को check करना है कि A से क्या है, ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है. जो भी वर्ड ए से शुरू होएगा वो पहले आएगा. व्हाट विल कम आफ्टर ए? ए के बाद क्या आता है? बी. ओके. है ना. अब जो वर्ड बी से शुरू होएगा उसको ए के बाद में लिखना है. द नेक्स्ट वर्ड विल बी बी. ओके. आफ्टर बी सी. तो जो भी वर्ड सी से स्टार्ट होएगा वो आपको लिखना है. आफ्टर सी डी. जो भी वर्ड डी से शुरू होता है वो लिखना है. डी के बाद ई, ई के बाद एफ. और अगर इन केस F के बाद G नहीं है तो लिव इट. ओके. वॉट कम्स आफ्टर G? H. H आएगा, राइट. तो फिर आपको कौन सा वर्ड लिखना है? H वाला. ओके. दिस इज़ वेरी इजी चिल्ड्रेन. जस्ट रिमेंबर, आपको सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखना है जो A से आता है, उसके बाद B, फिर C, D एंड सो ऑन, है ना. A B C D ऑर्डर में ही लिखना है. अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होती है तो इन योर माइंड, अपने मन में A B C D बोलो. A तो सबको पता है, A और B C D.
ये तो लाइन से आते हैं ना, तो पहले ए वाले लिख लो, बी वाले लिख लो, फिर सी, फिर डी, उसके बाद ए बी सी डी बोलना है, और जो जो अल्फ़ाबेट आता जाए वो लिखना है. ओके चिल्ड्रेन, सो डू दिस इन योर बुक पेज नंबर 21. ओके चिल्ड्रेन, बाय.